हेलो है, नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अंशुल तलमले। तो जैसा आप सब जानते हैं कि आईपीएल की रिटेंशन पॉलिसी आ चुकी है और जल्द से जल्द अब आईपीएल की फ्रेंचाइजियों को उन खिलाड़ियों की लिस्ट देनी होगी जिन्हें वो आईपीएल के मेगा ऑक्शन से पहले रिटेन करना चाहते हैं। ये मेगा ऑक्शन इस साल के एंड में होगा, तो उससे पहले खिलाड़ियों को आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के सामने खिलाड़ियों की लिस्ट देनी है जिसे वो रिटेन करना चाहते हैं। कोई भी टीम मैक्सिमम 6 खिलाड़ी रिटेन कर सकती है, जिसमें 5 प्लेयर्स तो वो नॉर्मली रिटेन करेगी और 1 प्लेयर होगा वो राइट टू मैच कार्ड के इस्तेमाल से अपने साथ जोड़ पाएगी। तो ऐसे में अब सभी टीम माथापच्ची करने में जुटी हुई हैं कि कौन से ऐसे वो खिलाड़ी होंगे जिन्हें वो अपने साथ बरकरार रखे। इन सबके बीच सबसे बड़ा जो सिरदर्द है वो कोलकाता नाइट राइडर्स के पास में है, क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन ये टीम स्टार खिलाड़ियों से भरी हुई है, हर खिलाड़ी इनके पास में तोप है। ऐसे में फ्रेंचाइजी डिसाइड नहीं कर पा रही होगी कि कौन से वो 5 बेहद अहम प्लेयर्स होंगे जिन्हें वो अपने साथ बरकरार रखे। तो चलिए आपको इस वीडियो में, इस रिपोर्ट में ये बताते हैं कि कौन कौन से वो खिलाड़ी हैं जो केकेआर की टीम मैनेजमेंट के रडार पर होंगे। नए मेंटोर ड्वेन ब्रावो किन पर भरोसा जताएंगे, मालिक शाहरुख खान के कौन कौन से फेवरेट होंगे और सबकी सलाह के बाद वो 5 बड़े नाम कौन से हो सकते हैं जिन्हें केकेआर अपने साथ रिटेन करना चाहेगी। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है सुनील नरेन का, T20 फॉर्मेट के सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर सुनील नरेन 36 साल के हैं, लेकिन उम्र को मात देते हुए पिछले सीजन में जबरदस्त प्रदर्शन किया था। ओपनिंग करते हुए लगभग हर मैच में केकेआर को इन्होंने शुरुआत दिलाई थी, जबरदस्त गेंदबाजी से भी विकेट ले रहे थे। तीसरी बार इन्होंने मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का रिकॉर्ड अपने नाम किया था और केकेआर के साथ काफी टाइम से ये जुड़े भी हुए हैं। तो ऐसे में कोलकाता नाइट राइडर्स हर हाल में यही चाहेगी कि सुनील नरेन इनके साथ बरकरार रहे। दूसरे नाम कौन है? बिल्कुल दूसरे नाम आपने एकदम सही पहचाना, सुनील नरेन की तरह एक और कैरेबियाई खिलाड़ी यानी कि आंद्रे रसेल, ये भी लंबे समय से कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा है। जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं, लंबे लंबे छक्के मारते हैं और गेंदबाजी से विकेट निकालना जानते हैं। पार्टनरशिप ब्रेकर है, जब जब टीम को जरूरत पड़ती है चाहे वो स्लॉग ओवर में हो या मिडिल ओवर्स में हो, टीम को विकेट निकाल कर देते हैं, बल्लेबाजों को परेशान कर देते हैं। एक ऐसा खिलाड़ी जिसे अगर रिटेन नहीं किया गया और अगर ये ऑक्शन टेबल पर चला गया तो शायद आईपीएल के इतिहास का सबसे महंगा प्लेयर बन जाएगा। जबरदस्त फॉर्म में भी थे आंद्रे रसेल, हर हाल में केकेआर उन्हें रिटेन करना चाहेगी और ये उनके रडार पर बिल्कुल होंगे। तीसरा नाम है श्रेयस अय्यर, इस टीम के कप्तान जिन्होंने अपनी यंग लीडरशिप में कोलकाता नाइट राइडर्स को पिछले साल यानी आईपीएल 2024 में चैंपियनशिप जिताई थी। ये खिलाड़ी बिल्कुल केकेआर के रडार का हिस्सा होंगे, केकेआर के रिटेंशन प्लान का हिस्सा होंगे, क्योंकि इंडियन प्लेयर पहली बात, दूसरा मिडिल ऑर्डर के शानदार बैट्समैन और तीसरा बना बनाया कप्तान। टीम नहीं चाहेगी कि ये कंपोजिशन, ये कॉम्बिनेशन किसी भी तरीके से भटके या फिर किसी नए कप्तान के साथ टीम जाना चाहेगी। तो तीसरे बड़े नाम जिन्हें फ्रेंचाइजी रिटेन करेगी वो श्रेयस अय्यर यहां पर नजर आ रहे हैं। चौथा नाम रिंकू सिंह, जबरदस्त फिनिशर, अपने बूते केकेआर को कई मैच इन्होंने जिताए हैं, लंबे समय से केकेआर का हिस्सा है, लेकिन पिछले 1-2 सीजन में इनका बल्ला जमकर बोला है। इंडियन क्रिकेट टीम के फिनिशर भी हैं, इंडियन क्रिकेट टीम के 5वें-6वें नंबर पर लगभग एस्टेब्लिश बल्लेबाज हो चुके हैं। रिंकू सिंह का बल्ला अगर चल गया तो 6 गेंद में लगातार 6 छक्के जड़कर विरोधियों की हार में ये एक अहम फैक्टर निभाते हैं। रिंकू सिंह को टीम बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि उन्हें वो ऑक्शन टेबल पर डाले, तो ये भी केकेआर की रिटेंशन लिस्ट का हिस्सा होंगे। पांचवा नाम गेस कीजिए, हो सकता है आप इस बात से इत्तेफाक ना रखें या चौंक जाए, लेकिन मेरे हिसाब से पांचवा नाम हर्षित राणा हो सकते हैं। हर्षित राणा टीम के ऊंचे कद के तेज गेंदबाज है, मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं, गेंद को स्विंग कराना जानते हैं, कांटा बदलवाते हैं और पिछले सीजन में जब टीम चैंपियन बनी तब उसमें इस खिलाड़ी का बड़ा योगदान था। इन्होंने गेंद से जबरदस्त प्रदर्शन किया, हर्षित राणा एग्रेसिव गेंदबाज और उस दमदार प्रदर्शन के बूते इस वक्त तो भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा भी है, तो हो सकता है हर्षित राणा को टीम रिटेन करे। अगर हर्षित राणा को रिटेन नहीं करती है तो वरुण चक्रवर्ती एक और ऐसा नाम हो सकते हैं, एक ऐसे मिस्ट्री स्पिनर जिन पर भरोसा जताया जाए और ऑक्शन से पहले टीम ये कहे कि हम वरुण चक्रवर्ती को अपने साथ जोड़ रहे हैं, इन्हें हम जाने नहीं देंगे। ये केकेआर की एक प्रोबेबल
5 रिटेंशन प्लेयर्स लिस्ट। इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्या इस लिस्ट में आप किसी और का नाम मेंशन करना चाहते हैं? जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे अंशुल तलमले को दीजिए इजाजत। आप सभी देखते रहिए एनबीटी ऑनलाइन। शुक्रिया।